हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक स्क्रैच कार्ड का ऐप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ और एक भी ट्यूटोरियल होगा, इसके साथ ही होगा। कोई भी ऐप पे, स्पेशली अर्निंग ऐप पे, कोई भी फीचर सिर्फ 1 आवर के बाद या फिर कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बाद ही वो ओपन हो। मतलब मान लीजिए कि ये स्क्रैच कार्ड, तो स्क्रैच कार्ड सिर्फ घंटे में एक बार ही कोई भी यूजर स्क्रैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर से 1 आवर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा फिर से स्क्रैच। तो इसके लिए पहले मैं देखिए क्या क्या बना चुका हूँ। ये है स्प्लैश स्क्रीन बनाया हूँ। मुझे 3 सेकंड के बाद लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा। और लॉगिन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन में मैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन की मदद लिया हूँ। और उसके साथ साथ फायरबेस डेटाबेस का भी मैं इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए साइन अप जब सक्सेस होगा उसके बाद क्या क्या स्टोर होना चाहिए। नेम स्टोर होगा प्रोजेक्ट बकेट में, नेम स्टोर होगा, उसके बाद पॉइंट्स स्टोर होगा। क्योंकि पॉइंट्स मैं क्या दिया हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी स्क्रैच करेगा तो उसमें जो भी पैसे मिलेगा वो पॉइंट में ऐड हो जाएगा, इसीलिए पॉइंट्स मैं स्टोर किया हूँ। उसके साथ साथ टाइम इसको स्टोर किया हूँ, क्योंकि अभी एक स्क्रैच कट हो जाने के बाद 1 घंटे के बाद ही वो ये ओपन होगा। इसके लिए मतलब कोई भी स्क्रैच हो जाने के बाद, कोई भी यूजर का स्क्रैच हो जाने के बाद उसके प्रोजेक्ट बकेट के अंदर एक टाइम नाम कर जो टैग है उसके अंदर करेंट टाइम को स्टोर कर देगा। और उसके बाद 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो टाइम हट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद होम में चला जाएगा साइन अप हो जाने के बाद। तो मैं होम में जाता हूँ, होम में क्या क्या कर रहा हूँ देखिए। यहाँ पर बस एक वेलकम दिया, उसके नीचे यूजर का नाम दिया हो। उसके बाद ये टोटल बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस होगा इसके पास जिसका मैं नाम दिया हूँ पॉइंट्स। और इसके नीचे स्क्रैच एंड विन, ठीक है, ये जो ये बटन है तो इसमें क्लिक करेगा तो ये स्क्रैच में जाएगा। तो स्क्रैच में अभी कुछ बनाया नहीं, मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने। तो अभी मैं होम में जाता हूँ और दिखा देता हूँ क्या क्या करा हूँ। यहाँ पर से टाइनिटी भी लिया हूँ, स्नैक बार लिया हूँ, क्लॉक लिया हूँ, क्लॉक लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए टाइमर ऑलवेज फायर, टाइमर एनेबल, ये सब अनटिक कर देना, क्योंकि ये टाइम सिर्फ वो टाइम जो फायरबेस में सेव है वो चेक करने के लिए। तो अभी ब्लॉक में देखिए इनिशियलाइज, जब वो होम इनिशियलाइज होगा तभी क्या होगा, फायरबेस का प्रोजेक्ट बकेट होगा, वो जो टाइम डीबी में आईडी नाम का सेव हुआ था प्रोजेक्ट बकेट। उसके बाद गेट वैल्यू होगा, नेम पॉइंट्स और टाइम गेट वैल्यू। अभी गॉट वैल्यू जब होगा, अगर टैग नाम नेम है तभी नेम का टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसका नाम पॉइंट्स होगा तो सेम, और टाइम होगा। टाइम में ये आपको पहले समझ में नहीं आएगा, अभी मैं स्क्रैच स्क्रीन पे जाता हूँ, स्क्रैच में क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं स्क्रैच में जाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं फायरबेस का डेटाबेस लिया हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं फिल कर दिया हूँ। अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं बस इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड व्यू लेना पड़ेगा, यहाँ पर हाइट में 40 और 60 कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देता हूँ मैं, डीप ऑरेंज देता हूँ, और इसका सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर होगा कैनवास, ठीक है। तो कैनवास का जो है हाइट और वाइड को फिल पैटर्न कर देना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर बस क्या क्या लेना पड़ेगा, टाइमर लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर 3000 का रहेगा, ये क्लॉक दो काम करेगा, एक तो स्क्रैच कट के ऊपर काम करेगा और दूसरा जो है टाइम सेट सेव करेगा फायरबेस में, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये टाइनी डीबी भी लेना पड़ेगा स्टोरेज का, टाइनी डीबी ले लिया, और नोटिफायर भी ले लेता हूँ मैं, दिखाएगा कि कितना पॉइंट जीता है। तो उसके पहले मैंने एसेट्स में 3 इमेज ले चुका हूँ, और ये गूगल सर्विस है, ये तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो 0 में क्या है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम है। 1 में है यू हैव ओन 1 रुपीज, 2 में है यू हैव ओन 2 रुपीज, 3 मैंने लिया हूँ। तो ये गूगल में आपको कई बार भी ये इमेज मिल जाएगा,
तो अभी क्या है, ब्लॉक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ, वो है ग्लोबल इमेज, तो यहाँ पर एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अभी पहले स्क्रैच, यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, फायरबेस में जो है फायरबेस का प्रोजेक्ट बकेट, फायरबेस का कॉल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। टैग होगा आईडी, बस यहाँ पर फिर पॉइंट्स को गेट वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बस एक हिडन लेवल ले लेता हूँ जहाँ पर पॉइंट्स दिखाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए, और ये होगा हिडन, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पॉइंट्स, और अभी जब गॉट वैल्यू होगा पॉइंट्स का टेक्स्ट गेट वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये बस साइड में रख देता हूँ, और अभी कैनवास और कार्ड व्यू का ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अभी देखो, पहले ये जो है ग्लोबल इमेज, इसको रैंडमली चूज होगा, तभी कोई भी मतलब ये जो 0.png एसेट में है वो सब दिखाएगा, तो ये रैंडमली होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर से लिस्ट में जाइए, और यहाँ पर है देखिए पिक अ रैंडम आइटम, यहाँ पे ले ले और लिस्ट मेक अ लिस्ट। तो मेरे पास अभी फिलहाल तीन आइटम है, इसलिए तीन स्ट्रिंग ले लेता हूँ आइटम। तो अभी यहाँ पर बस 0.png, तो 0.0 में है बेटर लग, नेक्स्ट टाइम 1 में है 1 रुपीज, 2 में है 2 रुपीज, ठीक है। तो अभी कैनवास का जो बैकग्राउंड इमेज वो होगा ग्लोबल इमेज, ठीक है, हो गया। अभी कैनवास का पेंट कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। पेंट कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ मेरा ये जो ऑरेंज कलर टाइप का है ये दे देता हूँ। अभी देखिए कैनवास से आपका ड्रॉ सर्कल ये ले लेना पड़ेगा, ठीक है, और सेंटर एक सेंटर वाई अभी 0 दे देना, 0 0, और रेडियस होगा 5000, अभी फिर से इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये डिलीट करके आपको कलर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए मेक कलर इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको 4 में ब्लॉक दे देता हूँ, और 255 और लास्ट में होगा 0, ये वाइट कलर होगा, ठीक है, 255 RGBA कलर। तो ये पहले इनिशियलाइज में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब टच होगा तब क्या होगा, टच्ड, ये जो है टच्ड, इसके लिए इसको ड्रॉ सर्कल, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको बस डिलीट, सेंटर एक्स तो गेट एक्स, सेंटर वाई गेट वाई, रेडियस होगा 20। तो अभी जब ड्रैग होगा, मतलब कोई भी यूजर ड्रैग करेगा, स्क्रैच करना चाहे, तो कैनवास में फिर से जाइए, और यहाँ पर से लाइन जो वाइट है इसको लेना पड़ेगा, इसको 50 कर देता हूँ। ड्रैग करेगा मतलब स्क्रैच करेगा, तभी कैनवास का जो वाइट जो लाइन होगा वो 50 वाइट का होगा, ठीक है। अभी कैनवास में फिर से जाना पड़ेगा, और यहाँ पर से ड्रॉ सर्कल फिर से लेना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर एक्स सेंटर वाई होगा करंट एक्स और करंट वाई, रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 20, बस हो गया। अभी फिर से कैनवास में जाना पड़ेगा टच डाउन, जब टच डाउन होगा तो कैनवास टच डाउन में क्या होगा, यहाँ से क्लॉक 1 में जाना पड़ेगा, क्लॉक 1 का अभी टाइमर एनेबल्ड होगा, तो मतलब कोई भी यूजर जब उसमें टच कर देगा उसके बाद क्या होगा, टाइमर ऑटोमेटिकली एनेबल्ड हो जाएगा। और मान लीजिए कि कोई भी यूजर थोड़ा सा टच करके और टच नहीं करता, तो 3 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली वो स्क्रैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्लॉक ऑन टाइमर जब डू हो जाएगा तभी क्या होगा, मतलब 3 सेकेंड के बाद कैनवास 1 का जो पेंट कलर है, ये जो सेम है पेंट कलर मेका कलर, ये इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ,
और यहाँ पर दे देता हूँ ड्रॉ सर्किल, इसको भी डुप्लीकेट करके यहाँ पर दे देना पड़ेगा। तो क्लॉक ऑन टाइमर डू मतलब टाइमर जब खत्म हो जाएगा तभी क्या होगा, पेंट कलर फिर से व्हाइट हो जाएगा, ड्रॉ सर्किल ये जो रेडियस है वो 5000 हो जाएगा, और इसके बाद क्लॉक वन टाइमर एनेबल टू फॉल्स हो जाएगा। ये सिर्फ ये मैं जो काम किया हूँ वो सब सिर्फ स्क्रैच कार्ड के लिए। अभी मैं करूँगा पॉइंट सिस्टम, तो यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ। पॉइंट फर्स्ट जो होगा इनिशियलाइज पॉइंट वो होगा 0, नहीं एम्प्टी ही रहना। और उसके बाद क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर सेट पॉइंट टू क्या होगा, यहाँ पर से रिप्लेस ऑल टेक्स्ट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो एसेट में है 0 मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम, 1 मतलब 1 रुपीस और 2 मतलब 2 रुपीस। तो रिप्लेस ऑल टेक्स्ट क्या होगा, रिप्लेस इमेज में ग्लोबल इमेज में सेव हुआ था कि देखिए यहाँ पर ग्लोबल इमेज में यहाँ पर सेव हुआ था कि कौन सा अभी इमेज दिखाया। तो 0 मतलब तो बेटर लग नेक्स्ट टाइम, 1 मतलब 1 रुपीस, 2 मतलब 2 रुपीस। तो क्या करना पड़ेगा, डॉट पीएनजी लास्ट में है तो उसको बस हटा देना पड़ेगा। वो हट गया तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पॉइंट आप जीता है। तो इसके लिए सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट होगा डॉट पीएनजी और रिप्लेसमेंट होगा सिर्फ एक ब्लैंक टेक्स्ट मतलब कुछ भी नहीं। तो डॉट पीएनजी को बस ये इस टेक्स्ट ग्लोबल इमेज से हटा देगा। तो अभी आपके पास ग्लोबल पॉइंट में क्या दिखाएगा, अगर मान लीजिए कि आपको 1 रुपीस मिला है, यू हैव ओन 1 रुपीस ऐसे दिखाएगा तो सिर्फ 1 यहाँ पर दिखाएगा, हो गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, फायरबेस में जाना पड़ेगा, स्टोर वैल्यू और टैग होगा पॉइंट्स, करना पड़ेगा प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट सेव हुआ था पहले, तो पॉइंट इसमें जो है इसके साथ गेट ग्लोबल पॉइंट इसको बस ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से स्टोर्ड वैल्यू लेना पड़ेगा, टाइमर अभी सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए टैग मैंने लिया था टाइम मैं लिया था साइन अप में। तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा क्लॉक में जाइए और यहाँ पर से देखिए फॉर्मेट डेट एंड टाइम इसको ले लेना पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मेट क्या है देख सकते हैं, यही चीज MMSS मतलब ये जो है आवर मिनट और सेकेंड और ये मंथ डेट ईयर, इसको बस नहीं लेना पड़ेगा, बस इसको डिलीट कर दें। सिर्फ हमें HH और MM चाहिए, तो HH इसके बाद देखिए ये साइन है इसको नहीं चाहिए, इसको डॉट देना चाहिए क्योंकि प्लस और माइनस होगा सिर्फ डॉट में होगा। तो इसके लिए मैंने डॉट दे दिया, तो डॉट होगा तभी प्लस माइनस पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने HH डॉट MM मतलब मान लीजिए कि अभी 827 AM है तो अभी क्या दिखाएगा 8.27, इसके साथ कोई भी प्लस और माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया और क्लॉक ऑन में फिर से जाना पड़ेगा, इंस्टेंट में देना पड़ेगा नाउ मतलब अभी कितना टाइम है इस पैटर्न में यहाँ पर सेव हो जाएगा, बस हो गया। अभी नोटिफायर में मैं जाता हूँ और यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ नोटिफायर ऑन सो चूज डायलॉग, इसको पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैसेज क्या रहेगा, ज्वाइन यू हैव ओन के बाद ग्लोबल पॉइंट, उसके बाद फिर से और एक स्ट्रिंग पॉइंट्स। पैटर्न में मैं बस दे देता हूँ स्कोर और बटन वन में ओके दे देता हूँ और बटन टू बस ब्लैंक दे देता हूँ, ब्लैंक रखने देता हूँ और कैंसिलेबल इसको फॉल्स कर देता हूँ। तो अभी चूज मैसेज में जब क्लिक होगा तभी क्या होगा, आफ्टर चूजिंग गेट चॉइस इक्वल टू ओके, देन क्या होगा ओपन अनदर स्क्रीन,
स्क्रीन नेम होगा होम। तो देखिए अभी क्या होगा, अभी ये तो सेव हो चुका टाइम, तो अभी ये होम में चला जाएगा ओके में क्लिक करने पर। अभी होम का फंक्शन मैं दिखाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि टाइम मतलब होम में जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगा तभी तीन वैल्यू कॉल करेगा, तो उसके अंदर एक टाइम वैल्यू भी है। तो देखो अभी अभी इंस्टेंट में यहाँ पर होगा 8. अभी 8:34 हुआ है, तो 8.34 दिखाएगा यहाँ पर, और मैंने सेव किया था कितने बजे, 8.24 समथिंग। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद अगर माइनस में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, मतलब एक इक्वल टू 1 या फिर इससे ज्यादा हुआ, तो फिर बैच कट का जो बटन है ये बटन ये इनेबल हो जाएगा, तो मतलब 1 आवर हो चुका है, अभी फिर से स्क्रैच करना कर सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो स्क्रैच बटन इनेबल नहीं होगा, और साथ में एक नोटिस, यार मैंने एक हिडन नोटिस भी दिया हो, सिर्फ जब ये नहीं होगा तभी दिखाएगा। इससे भी एक अच्छा तरीका है, वो है यहाँ पर से पैटर्न जो है सिर्फ एज दे देना, एज दे देना, मतलब सिर्फ आवर से आवर लेगा, मतलब अभी 8:35 है सिर्फ 8 लेगा यहाँ पर से। गेट वैल्यू में भी ये देना पड़ेगा, इसके लिए स्क्रैच में फिर से जाता हूँ और यहाँ पर से सिर्फ आवर कर देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो एज हो गया है, अभी होम में जाना पड़ेगा माइनस, और ये होगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब एज माइनस जो वहां पर सेव हुआ था 8-8 इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब ये 1 आवर नहीं हुआ। लेकिन अगर 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पर 8 है, मतलब 1 हो चुका है, मतलब वो 0 नहीं है, उसके मतलब वो 1 आवर हो चुका है। ऐसे ही फंक्शन काम करेगा। तो अभी मैं इसको सेव करके आपको यह फाइल मिल जाएगा, वहां से आपको सभी समझ में आ जाएगा, और अभी मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी इस ऐप को मैं ओपन कर चुका हूँ, और कोई भी एक अकाउंट मैं बना लेता हूँ, ए ए ए मैं नाम देता हूँ, और cdf@gmail.com 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो अभी साइन अप कर लेता हूँ, तो अभी डेटाबेस में मैं जाता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने पहले टेस्ट किया था इसलिए यह है, और यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं स्क्रैच कर लेता हूँ, स्क्रैच एडमिन पे जाकर, तो मैं देखिए स्क्रैच कर देता हूँ, और यहाँ पर आ गया बेटा लग नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, मैंने 0, तो यहाँ पर पॉइंट्स देखिए 0 सेट हुआ है, मतलब सेट था, सेट 0 ही था, 0 हुआ, और टाइम देखिए अभी 9:11 है, इसीलिए 9 सेव हो चुका है। तो ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर आप मैंने यहाँ पर नीचे यू कैन स्क्रैच अगेन आफ्टर एन आवर ये दिखाएगा, स्क्रैच एंड विन में मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रैच एंड विन में नहीं जाता है। तो मैं क्या करता हूँ आपके दिखाने के लिए, टाइम को मैं 8 कर देता हूँ यहाँ पर से डेटाबेस से, तो 8 करके मैं बस इसको इस ऐप को बंद करके फिर से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फिर से ओपन कर रहा हूँ, और तो देखिए यहाँ पर स्क्रैच एंड विन में नीचे कोई भी नोटिस नहीं आया, और स्क्रैच एंड विन में फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चला आया। फिर से मैं स्क्रैच करता हूँ तो देखिए अभी मैं 2 पॉइंट जीत चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए 2 ऐड हो चुका है, और फिर से टाइम 9 ऐड हो चुका है। ओके मैं क्लिक करके फिर से देखिए यू कैन स्क्रैच अगेन आफ्टर एन आवर। तो उम्मीद है कि आपको आज का इस ट्यूटोरियल अच्छा लगे है, तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जब बेल आइकन उसमें भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। कुछ दिन से मैं इनएक्टिव था, लेकिन अभी से मैं हर संडे को मैं वीडियो लाऊंगा, नए नए ट्यूटोरियल और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मैं लाऊंगा। और मेरे वेबसाइट dikhaunga.in उसको भी ज़रूर चेक करना, पोस्ट मैं डालते रहता हूँ वहाँ पर,
और इसका पूरा ट्यूटोरियल इंग्लिश में फुल ट्यूटोरियल द techstudy.in पे होगा और वहां पर ही इसका AIO फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।